अस्सलाम वालेकुम गाइस, टेक्निकल सिप जाफर में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। पीटीए ने पहले उन्हें बहुत से मैसेज, बहुत सी कॉल्स की थी कि आप इसमें से ऐसे मवाद को हटा दें जो कि शरीयत के खिलाफ है, जो इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने एक ही बात ना मानी और कोई भी इकदाम ना कर पाए। तो फाइनली टिकटॉक को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है। लेकिन टिकटॉक बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग अफसरदा हैं। बहुत से लोग अब स्टेटस डाल रहे हैं जिसके अंदर वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी कम्यूनिटी भी है जिसके अंदर बहुत से लोग खुश हैं। टिकटॉक को पहले से ही बंद करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसी जो कि गाली गलोच और ऐसी मवाद अपलोड करते हैं जो कि ना ही इंसानियत के देखने के काबिल है और ना ही आप लोग फैमिली के साथ बैठकर उसे देख सकते हो। तो दोस्तों, वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जो लोग अफसरदा हैं उन्हें अफसरदा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही जैसे ही टिकटॉक बंद हुई है, यूट्यूब ने एक नया फीचर अपलोड कर दिया है। उन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया जिसे हम यूट्यूब शॉर्ट के नाम से जानते हैं। यूट्यूब शॉर्ट पहले से ही चर्चे चल रहे थे कि वो टिकटॉक के मुकाबले में आने वाली है, लेकिन अभी यूट्यूब शॉर्ट वालों को बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी मिली है, क्योंकि टिकटॉक पहले ही बहुत से ममालिक में बंद है और पाकिस्तान के अंदर भी फाइनली बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर हम यूट्यूब शॉर्ट की बात करें तो इसका फीचर इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, वहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। बहुत ही जल्द ये पाकिस्तान के अंदर आने वाला है। इसलिए वो लोग जो टिकटॉक पर काम कर रहे थे और उनकी वो फेम का जरिया थी, उनकी अर्निंग का जरिया थी, वो परेशान ना हो, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप आओ, यूट्यूब पर आपके पास उससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके पास आपके पास ज़्यादा ऑडियंस है। और YouTube शॉर्ट के अंदर आपको वही तमाम फीचर मिलेंगे जो TikTok के अंदर थे। इसके अंदर आपको तमाम इफेक्ट्स, आपको स्लो मोशन और तमाम दूसरे इफेक्ट्स जो कि आप TikTok के अंदर इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन इसके साथ आपको एडवांटेज ये होगा कि YouTube वालों ने अभी बताया है कि वो नेक्स्ट में जाकर अपनी इन शॉर्ट वीडियो को भी मोनिटाइज करेंगे और आप इनसे यहाँ से पैसे कमाओगे। उसके अलावा और आपके सोर्सेज जो ओपन होंगे वो तो हैं ही, आपके फेमस होंगे, उसके अलावा आपको कोई और काम मिलता है वो तो आपके साथ है, लेकिन इसके साथ साथ आप यूट्यूब की तरफ से पैसे कमाओगे। जिस तरह के यूट्यूबर पैसे कमाता है, आप भी पैसे कमाओगे। आपको इसके लिए करना क्या है, आपने एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करनी है, लेकिन उसके लिए आपने मोबाइल को सीधा पकड़ना है, जैसे कि आप सेल्फी लेते हो इस स्टाइल में, आप मोबाइल लेकर उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करोगे जो कि 15 सेकंड तक हो सकती है। इसके बाद आपको तमाम वो साउंड दिए जाएंगे जो कि टिकटॉक के पास है, इसके अलावा उससे भी ज़्यादा साउंड आपको मुहैया किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसे मोनिटाइज नहीं किया जा रहा, लेकिन फ्यूचर में ये मोनिटाइज होंगे। आपने परेशान नहीं होना, आपको तो फेमसिटी चाहिए, तो आप इससे फेमस होंगे लेकिन साथ ही साथ आपके पैसे भी बनेंगे। दोस्तों, इसलिए आपने आज से यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दें और टिकटॉक को भूल जाएं। अगर वो बंद हुई है तो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ ये ठीक हुआ है। टिकटॉक के पास ऐसी फैसिलिटी ही नहीं थी, टिकटॉक के पास ना ही कोई लिमिटेशन थी, कोई भी बंदा सामने आता था 15 मिनट कोई भी काम करता था, चाहे तो वो इस्लाम के खिलाफ हो, चाहे तो वो कोई भी माशरती ज़िंदगी के खिलाफ हो या इंसानियत के खिलाफ हो, वो बनाकर चला जाता था, जिससे हमारी जनरेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लेकिन यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हैं, लोग तो यूट्यूब पर भी ऐसा काम करने से बाज नहीं आते, फिर भी इसके ऊपर लिमिटेशन हैं। अगर कोई लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो यूट्यूब वाले उसे बैन करते हैं, कोई ना कोई पेनल्टी उसे ज़रूर देते हैं। इसलिए आप लोग YouTube के ऊपर आओ, ये तो आपका फ्यूचर है, इसके अंदर अर्निंग है, इसके अंदर आपकी फेमसिटी है। दोस्तों, TikTok के मुकाबले में ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑडियंस के लिहाज से, अर्निंग के लिहाज से और फेमस होने के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर आपके पास बहुत ही ज्यादा तादाद के अंदर ऑडियंस है और आपके पास अगर फीचर्स की बात करें, अगर साउंड की बात करें, वो भी यूट्यूब के पास उससे ज्यादा है। तो दोस्तों, इसलिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नए दिन, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।